हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 9 का राजनीति विज्ञान का, जिसका नाम है संस्थाओं में कामकाज। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स। और ये चैप्टर देखो, दोनों के दोनों आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, दो लिंक मिलेंगे आपको एक्चुअली। एक में मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा है और एक में मैंने चैप्टर समझा रखा है विद नोट्स। देखो, अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है ना, तो आप वो वाली वीडियो जाकर देखो पहले, जिसमें मैंने विदाउट नोट समझाया, मतलब एरो वगैरह के नोट से समझाया मैंने आपको, इस वे में समझाया है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे तो। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, आपका 90% चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आपने यहाँ से वीडियो देख ली तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर अब तो विदाउट नोट्स भी कर लेंगे, बट फिर भी मैंने विद नोट्स के साथ वीडियो बनाई है। जैसे कि ये देख रहे हो आप, विद नोट्स के साथ भी मैंने वीडियो बनाई थी बच्चों के लिए कि उनको समझ आ जाए। तो ये दोनों की दोनों वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो पहले यार वो जाकर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। बस थोड़ा सा थोड़ा पेशेंस रख के करने की बात है। वैसे मैंने बहुत सारे बच्चे मतलब देखा है कि जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ना, तो बहुत जल्दी आंसर आता है। तो महंगी बातचीत हो रही है बच्चों की, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है देख के बच्चे को सब क्वेश्चन के आंसर आते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन की बात ही करिए तो मैं एक बार लास्ट पार्ट में से भी कुछ पूछ लेता हूँ। चलो आप मेरे को ये बताओ कि संसद के कितने सदन होते हैं। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, पहला क्वेश्चन आप मेरे को इसका आंसर बताओ। दूसरा आंसर मेरे को, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में कितने मेंबर ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आंसर मैं कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता हो अगर आपने वीडियो देखी हो। अगर बहुत पहले वीडियो देखी है ना, मतलब 2-3 दिन हो गए, तो दोबारा वीडियो जाकर देख लो, रीकैप हो जाएगा और चैप्टर समझने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखो जर्नी इंजॉय करनी है, मार्क्स आपके कितने भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको जर्नी अच्छी लग रही है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, मेरे को पता चल रहा है कि मेरा MLA कैसे आया, मेरा MPA बना कैसे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ठीक है, इंजॉय करके पढ़ो, 9th क्लास में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके यार, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुका था कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं ना, जब वो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे होते हैं ना, तो उसमें चुनते हैं हम संसद, यानी सांसद के लिए होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, ये देखो जी, मैंने आपको बताया था कि जब केंद्र के लिए होते हैं तो संसद के लिए चुने जाते हैं, और जब राज्य के लिए होते हैं तो वो विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, आपको विधायक और संसद में डिफरेंस समझ आ गया होगा। राज्य स्तर पे होते हैं तो वो विधानसभा के होते हैं, जब सॉरी राज्य स्तर पे, बिल्कुल राज्य स्तर पे होते हैं उसे विधानसभा कहते हैं, और जब राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के स्तर पे होते हैं तो वो संसद के चुनाव होते हैं। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। मैं संसद के बारे में पूरा लास्ट पार्ट में अच्छे से बता चुका हूँ। आई होप कोई दिक्कत ना हो, अगर होती है तो मेरे को कमेंट कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरे को नंबर पर 9210522318 पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहीं पर सारा का सारा समझा दूंगा, एक ऑडियो सेंड कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वहीं पर सेंड कर दूंगा। ओके, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का, मेरे को लगा नहीं था जब चैनल बनाया था तो इतना बढ़िया मेरे को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बट बच्चों को समझ आ रहा है, ये मेरी सबसे बड़ी ज़्यादा क्या कहते हैं अचीवमेंट है। ठीक है, अचीवमेंट मेरे सब्सक्राइबर, मेरे नंबर नहीं है या मेरे व्यूज़ नहीं है, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि बच्चों को देखकर लग रहा है कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ आ रहा है हमको, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो उनका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच टू ऑल। चलो जी स्टार्ट करते हैं, बकवास बहुत हो गई, इमोशन में चलाता हूँ मैं। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका कानून बनाना है या लागू करना काम होता है इनका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून जो बनाया है, कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, कानून बनाती है संसद, और कानून को लागू करने का काम होता है इनका, समझ गए? कानून को लागू करने का काम होता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका दो टाइप की होती है, ठीक है, कार्यपालिका दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर। बुक के कितने भी पन्ने पलट लो, आपको 3 पॉइंट तो बिल्कुल ही मिलने वाले, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, तो ध्यान से सुनना। अब देखो, स्थायी कार्यपालिका नाम से पता चल रहा है, जो स्थायी है, जो एक बार लगने के बाद पूरे टाइम रहती है, ठीक है, यानी मरते दम तक रहती है या रिटायरमेंट तक स्थायी कार्यपालिका काम करती है। दूसरी होती है राजनीतिक कार्यपालिका, इनका टाइम पीरियड 5 साल के लिए होता है, ठीक है। अब स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? एग्जांपल देता हूँ, IPS IAS, बहुत सारे बच्चों का एम होगा IPS 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 और IAS, तो ये सारे के सारे स्थायी कार्यपालिका होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में वही जो चुन के आते हैं वो, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका एक निश्चित अंतराल के लिए नियुक्त होता है, यानी मैंने बताया 5 साल के लिए नियुक्त होता है, और स्थायी कार्यपालिका लंबे समय तक नियुक्त होता है, यानी मरते दम तक या टिल रिटायरमेंट,
ठीक है, रिटायरमेंट से रिटायरमेंट तक, यानी 60 साल की एज तक और मरते दम तक, अगर बीच में थोड़ी पत्ता कट गया तो बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था राजनीतिक कार्यपालिका को वोट देकर लोग चुनते हैं, ठीक है। बट अगर हम स्थायी कार्यपालिका की बात करें, आईपीएस आईएएस, क्या उनको हम वोट देकर चुनते हैं? नहीं, उनके लिए यूपीएससी का एक एग्जाम होता है, उसको क्लियर करते हैं तब जाके आईपीएस और आईएएस बनते हैं। तो इनके लिए वोटिंग देकर नहीं चुना जाता इनको। राजनीतिक कार्यपालिका बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए होती। मेरे कहने का मतलब है, राजनीतिक कार्यपालिका के लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप जितने अनपढ़ हो गए, आप उतनी बड़ी पोस्ट पर जाओगे, आप बड़े लेवल पे मंत्री बनोगे, ठीक है। हमारे इंडिया में तो खास तौर पे ऐसा ही होता है। बट अगर स्थायी कार्यपालिका की बात करें, आईपीएस आईएएस की बात करें, तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता चाहिए होती है, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप थोड़े इंटेलिजेंट होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने लायक होने चाहिए। तो ये था कार्यपालिका और कार्यपालिका में डिफरेंस। नीचे आ जाते हैं हम, अब न्यायपालिका। न्यायपालिका तो बहुत आसान था, देखो न्यायपालिका नाम से ही पता चल रहा है आपको, न्यायपालिका वो होती है जो हमें न्याय दिलवाती है। इसका काम क्या होता है? न्याय दिलवाना इसका काम होता है, ठीक है। एंड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपने देखा है बहुत सारे टीवी शो में या उसमें आता है कि आईसीयू इन कोर्ट में, तो मैं कोर्ट में देखूंगा, ये केस फाइल कर दूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें ये कार्यपालिका में होती है। और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें कार्यपालिका सॉरी उन्हें न्यायपालिका पे, सॉरी अगर मैंने कार्यपालिका बोल दिया तो, ठीक है, न्यायपालिका पे पूरा पूरा विश्वास होता है, ठीक है। अपने देश की कोर्ट पे पूरा का पूरा विश्वास है। देखो मैं आपको इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ न्यायपालिका की, कि आपको पता है हमारे सीएम पे, हमारे पीएम पे भी केस चल सकता है, और वो सारे के सारे केस की सुनवाई न्यायपालिका में होती है। यानी लोगों को इतना विश्वास है कि चाहे सीएम पे हो, चाहे पीएम पे, चाहे किसी पे भी केस हो, न्यायपालिका उसका निष्पक्ष ढंग से देखेगी और उन पे वो करेगी कि हाँ सही में हुआ है या गलत हुआ है, ये सारी की सारी न्यायपालिका देखती है। यानी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, उनसे किसी से डर नहीं लगता, ठीक है। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था है, यानी ये संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कानून के हिसाब से चलती है, जिसके पास न्याय करने का और कानूनी विवादों को निपटारा करने का अधिकार होता है। क्या करने का? न्याय करने का और कानून के विवादों को निपटारा करने, कानून के जो भी कानूनी विवाद होते हैं उसका निपटारा करने का, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यायपालिका कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती है न्यायपालिका। एक तो होती है जिला अदालत, जो हर जिले में होती है, जैसे अब मैं ग्रीन लाइन में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नांगलोई के अंदर भी है। उच्च न्यायालय की बात करें तो राज्य के अंदर होती है उच्च न्यायालय, हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय आपको मिलेगी। तीसरा होता है सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली के अंदर, और ये एक ही होती है। अगर आप जिला अदालत में आपने कोई केस दायर किया और आपको जजमेंट आया, जज ने कुछ फैसला सुनाया और आपको लगा कि अरे जजला जो जज ने फै जजला जज ने जो फैसला सुनाया वो गलत है, तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो। उच्च न्यायालय का भी फैसला पसंद नहीं आता, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। बट अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का फैसला समझ नहीं आया ना, और लगा कि अरे फैसला गलत है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस इन्होंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर तो आपकी गुद्दी नापी जाएगी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का समझ गए ना, एंड का फैसला होता है। नीचे आते हैं अब न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नर हो, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति ही चुनता है इनको, ठीक है। बट न्यायपालिका का जो जज होता है ना, न्यायाधीश होता है, जज न्यायाधीश को जज कहते हैं। जज जो होता है, एक बार राष्ट्रपति के चुनने के बाद राष्ट्रपति की भी नहीं सुनता, यानी अगर राष्ट्रपति भी बोले ये ले दे के कर लो कुछ, तो ये राष्ट्रपति की भी नहीं सुनता, ठीक है। राष्ट्रपति को भी, राष्ट्रपति पे भी फैसला सुनाने में कोई वो नहीं, झिझकेगा नहीं। अब न्यायपालिका के अध्यक्ष को हटाने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है? अगर मान लो कोई न्यायपालिका, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है न्यायपालिका के पास, अगर न्यायपालिका के अध्यक्ष यानी न्यायाधीश को, जज को हटाना हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? दोनों सदन यानी कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना पड़ेगा? एक बिल पास पारित करवाना पड़ेगा, जिसमें जैसे 300 लोग बैठे हैं राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों में अलग अलग, दोनों बिल से, यानी पहले लोकसभा में जाएंगे, फिर मान लो 300 मेंबर बैठे, एज्यूम करो 300 मेंबर बैठे हैं, तो कम से कम 200 ने बोला हो कि यार हाँ इसे हटा दो, फिर वो राज्यसभा में जाएंगे, फिर उनमें से भी मान लो राज्यसभा में 300 बैठे हैं, तो उसमें से भी अगर 200 एग्री करेंगे इसको हटा दो, तब हटता है। यानी न्यायपालिका के जो जज को हटाने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, यानी एक बार लगने के बाद कोई न्यायपालिका के जज को नहीं हटा सकता, बहुत ही मुश्किल होता है।
ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायपालिका का, न्यायपालिका और उसके अधिकार बताओ, कि न्यायपालिका क्या है और उसके पास क्या क्या अधिकार है। न्यायपालिका एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र संस्था है, यानी संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था यानी संविधान के अनुसार चलती है और ये एकदम स्वतंत्र है, किसके भी प्रेशर में काम नहीं करती है। इसके पास न्याय करने का अधिकार है, पूरा पूरा न्याय करने का अधिकार है, विवादों को निपटाने का अधिकार है। ठीक है, अगर कानून बनाने का काम किसका होता है, संसद का, अगर संसद कोई गलत कानून बना देना तो न्यायपालिका उस कानून पर रोक भी लगा सकती है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बात बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति को सजा देना, सजा भी न्यायपालिका ही दे सकती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई कोई व्यक्ति किसी मुजरिम, अभी जैसे एक मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, आपको पता होगा ये, हैदराबाद में कोई कुछ गलत लोगों ने कोई काम किया था, पुलिस वालों ने उनको ऑन द स्पॉट मार दिया। ठीक है, और न्यायपालिका में बहुत सारे लोगों ने याचिका लगा दी कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस वालों को नहीं मारना चाहिए था, ये काम तो न्यायपालिका का होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो न्यायपालिका पे लोगों को कितना विश्वास है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया हो। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर वीडियो एक बार नहीं समझ आया, दो बार वीडियो देखो, पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है, एंड दोबारा से मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत सपोर्ट किया आपने। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नोट्स बहुत अच्छे समझ आए, बहुत बढ़िया लगा, तो थैंक यू सो मच आप सबका। एंड एक और बात यार, मैंने एक ना अपना एक न्यू चैनल भी बनाया है, यहाँ पर उसका लिंक दे रखा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट भी कर दूंगा अपने न्यू चैनल से। ठीक है, आपने जैसा सपोर्ट इस चैनल को करा, उस चैनल को भी सपोर्ट करो। अभी तो कुछ डाला नहीं है, बट होप सो जल्दी ही डालूंगा आपके लिए, क्योंकि मेरे को पता है आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में आपके आपके लिए वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा चैनल तो बनता रहेगा, बट आपको समझ आए, आपके लिए बने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर देना कि, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना कि अगर मैं एग्ज़ाम के बाद या कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ओके, और नंबर मैं बता चुका हूँ, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बताओ। अब है ना, मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा पर बुक के हिसाब से, यानी सिविक्स के अलग, ठीक है, इतिहास के अलग, इन सब की बुक के अलग अलग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 30 30 या 40 40 क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, आप मेरे को बस ये बता दो कि विद आंसर डालूं या विदाउट आंसर, क्योंकि यार विद आंसर बहुत बड़ी हो जाएगी और आप मेहनत नहीं करोगे, मेरे को पता है। एक बार जब कोई बनी बनाई खिचड़ी मिल जाती है ना, तो मेहनत नहीं करते। तो आप बता दो फिर भी एक बार कि मेरे को विद नोट्स बनानी चाहिए या विदाउट नोट्स। ठीक है यार, ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच। एक और बात यार, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लो। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी हो, फॉलो करना हो, तो अच्छा लगेगा मेरे को भी और थोड़ा टाइम पास हो जाएगा आपके भी। ओके यार।